इमरान खान का भारत पर बड़ा आरोप लगाया। दरअसल नवाज शरीफ से छिप छिप कर मिलते थे। मोदी नहीं चाहता कि पाकिस्तान एंटी हिंदुस्तान बन पाए, कहना इमरान खान का। भारत या किसी देश का विरोध नहीं करना चाहता, ये भी कहा गया इमरान खान द्वारा। इमरान खान ने भारत पर बड़े आरोप लगाए हैं। नवाज शरीफ से छुप छुप कर मुलाकात होती थी नरेंद्र मोदी की, नहीं चाहता कि पाकिस्तान एंटी हिंदुस्तान बने। भारत या फिर किसी देश का विरोध नहीं करना चाहता हूं, इमरान खान ने भारत पर बड़े आरोप लगाए हैं। नवाज शरीफ से छिप छिप कर मुलाकात होती थी मोदी की, नहीं चाहता कि पाकिस्तान को एंटी हिंदुस्तान बनने दिया जाए। और यूक्रेन वॉर के संकट पे पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद से लगातार देख रही है कि शायद संग्राम का समाधान भारत से मिल पाए। लेकिन हमारे पड़ोस में एक मुल्क है जहां के निकम्मे प्रधानमंत्री को कुर्सी से बेदखल किया जा रहा, तो वो भारत और भारत के पीएम का नाम लेकर बाकायदा अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान को पाकिस्तानी फौज ने सेलेक्ट करके सत्ता तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अब जब लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी आई तो इमरान खान फिसड्डी साबित हो गए। घबराए हुए इमरान भारत और पीएम मोदी के नाम को जपते नजर आ रहे हैं। मानी हजार मन्नतें रद ना हुई बलाए दिल, दर्द कुछ और बढ़ गया मैंने जो की दवाए दिल। मेरी तरह खुदा करे तेरा किसी पे आए दिल, तू भी जिगर को थाम कर कहता फिरे के हाय दिल हाय दिल। शेख रशीद को क्या पता था उनका ये शेर तब फिट बैठेगा जब पीटीआई का टाइगर बिल्ली बन जाएगा। बेचारे इमरान खान खैर मनाते रह गए और मुकामे रुखसती पर पहुंच गए। पाकिस्तान को खूब डराया, विरोधियों को पिटवाया, आवाम को धमकाया, लेकिन जब जमहूरियत के इजलास में इम्तिहान का वक्त आया तो सिर्फ एक ही गूंज सुनाई पड़ रही थी। सवाल ये कि पेश करदा तहरीक मंजूर की जाए, वो तमाम अराकीन जो तहरीक के हक में हाक हैं, वो तमाम अराकीन जो इसके खिलाफ है नाक हैं। सड़क से संसद तक सारे रास्ते बंद हो गए तो इमरान खान ने विदाई भाषण शुरू किया और इमरान ने एक बार फिर पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी का नाम लेकर डराने की कोशिश की। नवाज शरीफ का किताब में है कि वो नेपाल के अंदर नरेंद्र मोदी से छुप छुप के मिल रहा था अपनी फौज से बचने के लिए। डॉन लीक्स में क्या था, हिंदुस्तान को मैसेजिंग हो रही थी कि जनाब मैं फौज के साथ, अगर फौज ये करिए तो फौज करिए, मैं नहीं कर रहा। इमरान खान के इन फरेबी बयानों का जवाब नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के इस शायरी से मिलता दिखता है। जालिमों की अजब मंतक है कि आसमानों से वबाल आते हैं, अपने अपने अमाल का सारा बोझ अल्लाह पे डाल आते हैं। मेरा मतलब अपने अमाल है आप लोगों के, आपने चार साल में इस मुल्क का जो है सारा का बेड़ा गर्क कर दिया है, और कभी किसी पे इल्जाम अपोजिशन पे इल्जाम दे रहे हैं, कभी किसी पे इल्जाम दे रहे हैं। वैसे जिस इमरान को फौज ने ही गद्दी पर बिठाया हो वो आखिरी वक्त तक बाजवा की वफादारी साबित करते दिख रहे थे और इसके लिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान का दुश्मन करार दे रहे थे। जनरल राहिल शरीफ को नरेंद्र मोदी दहशतगर्द कह रहा था, दहशतगर्द का चीफ, और नवाज शरीफ से दोस्ती थी और शादियों पर इन्विटेशन थी। ये इन लोगों को ये चाहते हैं। इमरान ने खुद को खुददार और बाकियों को गद्दार साबित करने की ये कोशिश पहली बार नहीं की है। इमरान पिछले 20 दिनों में कई दफा नवाज को भारत का दोस्त और पाकिस्तानी फौज का दुश्मन करार दे चुके हैं। वो आदमी है जिसने काठमांडू के नेपाल में नरेंद्र मोदी से छुप के मिल रहा था अपनी फौज के खिलाफ, जिसने नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया जो के कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा था। इमरान खान बार बार भारत के प्रधानमंत्री का नाम इस गलतफहमी में उछाल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पीएम मोदी के नाम से कांपने वाली आतंकी कौम की दहशत पाकिस्तान के सियासतदानों तक भी पहुंचे। उधर इमरान के विरोधी भी इसी कोशिश में इमरान का भारत कनेक्शन जोड़ते दिख रहे हैं।
फॉरेन फंडिंग केस क्या है? बाहर के ममालिक इनको फंड करते रहे हैं, गैर गैर जो मुस्लिम जो हैं, गैर पाकिस्तानी जो हैं, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग नहीं हैं, वो इनको फंड करते रहे हैं। इंडिया फंड करता रहा, इसराइल फंड करता रहा, हम पे गैर मुल्की साजिश का इल्जाम लगाते हैं। अब ये दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते रुतबे का असर है या पड़ोसी मुल्क की दिवालिया जमहूरियत की मजबूरियां, जिसमें कोई अपनी नाकामी छिपाने के लिए तो कोई सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की माला जप रहा है। वैसे पाकिस्तान की हकीकत तो ये है कि आज तक यहाँ का हर सियासतदान या तो फौज के बूटों की धमक की बदौलत या इस्लामिक दहशतगर्दी के कंधे पर सत्ता की सवारी करता रहा है, और लगता है कि इस बार उसी फौज ने बीच रास्ते में इमरान खान को अपने कंधे से उतार फेंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 31 मार्च को इमरान खान ने पाकिस्तान के नाम भाषण दिया। उनके भाषण के चार हिस्से थे। पहले हिस्से में वो खुद को कायदे आजम के बराबर बता रहे थे। दूसरे हिस्से में सबसे बड़ा त्यागी और बलिदानी कह रहे थे। तीसरे हिस्से में अपनी गलतियों की सफाई दे रहे थे, और चौथे हिस्से में विपक्ष की साजिशों पर भड़ास निकाल रहे थे। इमरान के इस पूरे भाषण से मालूम नहीं पाकिस्तान ने क्या समझा, लेकिन पूरी दुनिया को यही दिखा कि वो इमरान का विधायी भाषण ही था, जिसमें वो इमोशनल कार्ड खेल कर कुर्सी बचाने की आखिरी आरजू मिन्नतें कर रहे थे। इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, खुद को दिलेर बताया। आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। खुद को खुददार बताया, खुद को ईमानदार बताया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम पर इमरान की इन फरेबों का कोई फर्क नहीं पड़ा। और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब पाकिस्तान की संसद में जमा हुए पाकिस्तानी आवाम के नुमाइंदों ने एक ही रट लगा रखी थी, अविश्वास प्रस्ताव पर वोट करा। अगला सवाल चौधरी फकीर मोहम्मद साहब। सर मेरी ये गुजारिश है जी कि इस सवाल को मैं फॉरगो करता हूं, और विद दिस रिक्वेस्ट कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाएं और अभी करें। डिप्टी स्पीकर ने इमरान को बचाने की कोशिश की, अगला सवाल पूछने को कहा, फिर क्या था, सारे के सारे सदस्य वोटिंग का वक्त पूछने लगे। जी मोहतरमा शाजिया मरीज साहबा, अगला सवाल पूछें जी, सवाल नंबर बताएं। सर मेरा सवाल ये है कि नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पर वोटिंग आप कब करा रहे हैं, जल्द से जल्द करा दीजिए। जी अगला सवाल मोहतरमा तहरा औरंगजेब साहबा। जी मेरा भी यही क्वेश्चन है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाएं, हमें क्वेश्चन कोई नहीं करना, हमने यही करना है जिसके लिए आए हैं। थैंक यू। चेयर फिर भी कोशिश में था कि कोई तो इमरान सरकार से किसी भी तरह का सवाल पूछ ले। एक के बाद एक सांसद का नाम पुकारा जा रहा था। मरियम औरंगजेब का नाम पुकारा तो उन्होंने बुलंद आवाज में बताया कि पाकिस्तान क्या चाहता है। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा, मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा। अब मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराएं फौरी तौर के ऊपर। डिप्टी स्पीकर को पाकिस्तान की आवाज का अंदाजा लग गया, और वो सदन की कार्यवाही रविवार तक के लिए स्थगित करके उठ गए। और फिर इमरान खान ने खेला आखिरी इमोशनल कार्ड। ये मैं जो अपनी आपसे दिल की आज बातें करूंगा, उससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मेरी तरह का आदमी पॉलिटिक्स में आया क्यों। तो मैं तो वो एक खुशकिस्मत इंसान, अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि मुझे तो उसने सब कुछ दे दिया था। यानी आज भी मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मुझे सब कुछ दे बैठा, और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूं। और इमरान खान के दिल की पहली बात यही थी कि जिन्ना के बाद अगर पाकिस्तान में कोई हुआ तो वो खुद इमरान खान है। अगर मेरे में अल्लाह ईमान ना डालता मैं पॉलिटिक्स में क्यों आता। जिस आदमी के पास सब कुछ है, मुझे ये बताए, वो अपनी जिंदगी के 22 साल खर्च करेगा एक स्ट्रगल में, और 14 साल तो थोड़े से लोगों के साथ था, 14 साल तो मजाक उड़ता था मेरा,
तो मैं क्यों पॉलिटिक्स में इतनी देर कोशिश की जिसके पास सब कुछ था। मुझे इतने लोगों ने कहा कि इमरान साहब आपको जरूरत क्या थी पॉलिटिक्स। दरअसल इमरान खान पाकिस्तानियों को अपनी पाक साफ नीयत समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस पाकिस्तानी को नमक रोटी के लाले पड़े हों वो इमरान की ईमानदारी का क्या करे। हम पकड़ लेते हैं दूसरा रास्ता जो हम समझते हैं कि बड़ा आसान रास्ता है। अच्छा जी, वो फलाना ने हुक्म दे दिया हम तबाह हो जाएंगे, अगर उसने वो फलाना मुल्क नाराज हो गया तो हमारा ये हो जाएगा। हम रींग रहे हैं जमीन के ऊपर, हम चींटियों की तरह रींग रहे हैं। और चींटियों की तरह रेंगते पाकिस्तान ने पिछले 4 साल में इमरान खान की ईमानदारी और कौमी तरफदारी की इतनी ही मिसाल देखी है कि आज पाकिस्तान में महंगाई डबल डिजिट से नीचे नहीं उतरती, बेरोजगारी का रॉकेट रुकता नहीं, आतंकवाद के मोर्चे पर FATF में ब्लैक लिस्ट होने की नौबत है, पाकिस्तान अमेरिका की आंखों की किरकिर बन चुका है, अफगानिस्तान तक आंखें तरेर रहा है, चीन ने तो BRI का सपना दिखाकर तकरीबन गुलाम ही बना रखा है। ऐसी सूरत में पाकिस्तानी आवाम अगर इमरान को बाहर का रास्ता ना दिखाए तो क्या करे। हालांकि इमरान खान ने कुर्सी गंवाने से 3 दिन पहले पाकिस्तानियों का दिल पिघलाने की खूब कोशिश की है, लेकिन जिन सांसदों को पाकिस्तानी संसद में वोट करना है क्या उन पर इमरान के इन इमोशनल कार्ड का कोई असर होगा? शायद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।